नमस्ते फ्रेंड्स, पिछले बहुत दिन से मुझे बहुत लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि बबाग्रा आप इलेक्शन लड़िए, बबाग्रा आप तिपरा सा दोफा को आगे ले जाइए, एडीसी में कॉन्टेस्ट कीजिए। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं डायरेक्टली आप सबसे बात करूं, डायरेक्टली आपके मीडियम से ये बात क्लियर करूं कि मेरा अर्चन क्या है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बीजेपी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मैं गया, और मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरा केस है विद पतालकनिया। एनआरसी में भी हम ने केस फाइल किया, अलॉन्ग विद पतालकनिया का भी केस है, रंजीत देव वर्मा, विजय रंखोल, हम लोग सब हैं। मैंने एक प्रिंसिपल लिया, एक सिद्धांत लिया कि मैं अपने दोफा के लिए काम करूंगा, पुइला जाति, उलूपो जाति के लिए काम करूंगा, और उसके लिए मैंने अपना सब पोस्ट जो छोड़ा। और उसके बाद बहुत लोग ने मुझे दूसरे पार्टी में जाने के लिए कहा, नेशनल पार्टी में, मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि मेरे लिए मेरा दोफा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। लेकिन एक बात पिछले दिन से मैं बोल रहा हूँ और बहुत लोग समझ नहीं पा रहे, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते रहते हैं आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन मैं आज अपने तिपरा सा ग्रुप्स को, INPT हो, IPFT हो, TPF हो, तिपराहा हो, त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी हो, सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग आत्मनिर्भर तिपरा कब बनेंगे? आत्मनिर्भर आप कैसे बन सकते हो? सिर्फ आत्मनिर्भर आप फाइनेंशियली नहीं बनोगे, आपको आत्मनिर्भर एजुकेशन से बनना पड़ेगा, कल्चरली बनना पड़ेगा, और हाँ, पॉलिटिकली भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारा इतिहास देखोगे, हमारे राज्य का, तो 70 साल में हम कहाँ आत्मनिर्भर हुए हैं? GMP चला गया CPM के संग, और GMP के आधार में CPM पावर में आया। TOJS ने कांग्रेस के संग अलायंस किया, और 1988 में जब कांग्रेस पावर में आया तो TOJS के साथ आया। INPT ने भी यही किया, और आज BJP पावर में है क्योंकि हमारे IPFT का अलायंस BJP के संग है। तो आत्मनिर्भर हम पॉलिटिकली कभी नहीं हुए, हमने हमेशा किसी और को मदद किया है। और हमारे तिपरासा का जो मिशन है, जो हमारा 70 साल में हमारा जो आज परिस्थिति है, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर खुद नहीं है, हमेशा डिपेंड करते हैं कोई नेशनल पार्टी, वो उनका सहायता लेकर, उनका मदद लेकर हम लोग अपना पॉलिटिकल इतिहास लिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग आत्मनिर्भर कैसा बनेंगे अगर हम हमेशा पूरे जिंदगी सबके संग एडजस्ट करते रहे। आज जो त्रिपुरा देश हजार साल तक एक इंडिपेंडेंट नेशन था, आज 70 साल में हम लोग का परिस्थिति देखिए, ये क्यों है? क्योंकि हम आत्मनिर्भरता एजुकेशन में नहीं करते, फाइनेंस में नहीं करते, आज पॉलिटिक्स में भी नहीं करते। और जब तक आपका हाथ में शासन नहीं होगा, आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली आत्मनिर्भर कैसे होंगे? लेकिन नहीं, आज अगर कोई तिपरासा को काम करना है तो उसको बैंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, गुवाहाटी, शिलोंग, तेलंगाना जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा में ही हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, और जब कोरोना हुआ तो सब लोग को वापस आना पड़ा। आज हमारे पास प्रॉब्लम है हमारे दोफा में, और हम लोग दिल्ली जाकर भीख मांगते हैं। इसके लिए जब CAA पास हुआ तो उन्होंने सब स्टेट को एग्जेम्प्ट किया, सिर्फ आसाम और हम लोग त्रिपुरा को एग्जेम्प्ट नहीं किया।
मिजोरम जिसने आज तक एक शरणार्थी को नहीं लिया उसको एग्जेम्प्ट किया, नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया, अरुणाचल प्रदेश को एग्जेम्प्ट किया, 98% ऑफ मेघालय को एग्जेम्प्ट किया, मणिपुर को एग्जेम्प्ट किया, सिक्किम को किया, त्रिपुरा को नहीं किया। यह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे बारे कुछ कहता, एक छवि है हमारे बारे। मैं अपील करता हूं INPT, IPFT, त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी कि आप लोग हमेशा अलायंस में जाते हो, आप लोग आके बोलते हो कि महाराज, कोई बोलता कि आप हमारे संग आओ, कोई बोलता हमारे संग आओ, आप लोग आत्मनिर्भर तो बनिए, अकेला लड़ने का क्षमता तो कीजिए, या फिर एक होकर रीजनल पार्टी एक आवाज में तो बोलिए। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे मैं कहां भागूंगा, कोई इधर तानता है कोई उधर तानता है। और हां, एक और एक रिक्वेस्ट है पताल का। पताल, आपने मेरे लिए आंदोलन किया, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ये सब आपने आंदोलन किया है, लेकिन मैं पताल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप वोट बॉयकॉट करते हो, फायदा किसको मिलता है, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? इसका बेनिफिट, हां मैं मानता हूं आपका आइडियोलॉजी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं भी चाहता हूं कि इलीगल वोटर्स जब तक नहीं हटे त्रिपुरा से, हमें एक आंदोलन रखना चाहिए। लेकिन समय ऐसा आया है कि जो जब आप वोट बॉयकॉट करते हो तो फायदा किसी और को होता। मैं पताल आपसे भी, मैं आपके संग एक ही संग हमने CA में लड़ा है, एक ही संग मंच में हमने रैलीज भी किए हैं, NRC का मामला भी दोनों ने एक ही हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। मैं पताल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपके आइडियोलॉजी को भी मानता हूँ कि इलीगल वोटर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इलीगल वोटर को पूरा इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय जब ADC इलेक्शन सामने है, अगर आपने वोट बॉयकॉट किया तो फायदा किसको होगा? पता, फायदा कोई और करेगा, फायदा कोई किसी और का होगा। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार बुबागरा का बात भी सुनिए और थानचा के लिए बात कीजिए। विजय बाबू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यू आर अ सीनियर मैन, यू हैव फॉट फॉर त्रिपुरा, आई रिक्वेस्ट यू, लुक एट योर रीजनल पार्टीज फर्स्ट अमंगस्ट योर सेल्फ। विजय रंकल जी, पहले अपनी रीजनल पार्टीज को देखिए। आपने लिखा है INPT यूनाइटेड, यूनिटी तभी आएगा जब सब आएंगे एक साथ। मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन आप सबको भी लाने का कोशिश कीजिए। IPFT, आपने BJP के संग अलायंस किया है, 2.5 साल में क्या मिला है आपको? आपका प्रिंसिपल ऑपोजिशन CPM नहीं है, BJP है। अलायंस करके हमने ही अपना जमीन खोया है, कुछ नहीं मिला है। तो मैं आप सबको बोलता हूं कि ADC इलेक्शन आने वाला है, अगर आप चाहते हो कि बुबागरा, कोई कहता कि बुबागरा आप पॉलिटिक्स में मत आओ, कोई बोलता है पॉलिटिक्स में आओ, कोई बोलता कि आप बुबागरा बन के ही रहो, आज मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि आप प्लीज एक बार 70 साल में एक बार त्रिपुरा के बारे सोचिए और आत्मनिर्भर त्रिपुरा को बनाइए। और हम लोग आत्मनिर्भर तब भी बन सकते हैं जब हमारे बीच में सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल थांचा हो। ये मेरा अपील सबको है। इस अपील के बाद आपके ऊपर है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अपना आइडियोलॉजी, अपना प्रिंसिपल और अपने दोफा के संग कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। इसी के लिए अब सवाल और जवाब आपको देना है, आप सबको देना है कि आप बुबागरा को चाहते हैं लीड करने के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं घर बैठकर देखूं हमारा जो ऐतिहासिक राज्य है, जो 70 साल में इतना नीचे गिर चुका है, वो और भी नीचे गिरे। आज मौका आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। पताल आपके हाथ में है, मेवार आपके हाथ में है, चित्तू बाबू आपके हाथ में है, अनिमेश, विजय बाबू आपके हाथ में है, ये सब आप ही के हाथ में है। अगर आपने सोचा कि मैंने कुछ सही बोला है तो आप सही कदम उठाइए। बुबागरा प्रद्योत मानिकिया आपके साथ,
खड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहे और आत्मनिर्भरता नहीं किया, किसी ने नेशनल पार्टी के संग अलायंस किया, किसी ने वोट को बॉयकॉट किया, तो नुकसान हमारे पूरा दोहा का होगा। दिस इज माई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई लव माई टिप्रासा पीपल, आई लव माई होल स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एनी वन, एवरी वन। आई डोंट डिस्क्रिमिनेट फॉर एनी वन। आई लव यू, सो प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट। बेलाई बेलाई नो हम बाई।